आज लोग बदलने को फिर रहे हैं, इनको कारण है, काम हुआ ही नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ धरातल से जुड़े हुए थे, एक एक चीज का उनको पता है और उन सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा 4 जून से बाद। यहाँ शुगर मिल का मुद्दा है, शुगर मिल में आज भी किसान के 50-60 करोड़ रुपए खड़े हैं। सड़कें गांव में जाके देखो, ये मेरा गांव पंजलासा पड़ता है, पंजलासा से लेके बदौली तक जाओ सारी सड़क टूटी पड़ी। और मैं किसान परिवार से आता हूँ, किसानों का हाल आपने देखा ही होगा, अब भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पहले यूरिया कट्टा 50 किलो का था रेट, वही अब उसे 40 किलो में कर दिया है। किसान आंदोलन यहाँ आयो, ये लफंगाना आंदोलन है जी। अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई भाइयों बहनों, आपका स्वागत है अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल, जनता के तीखे सवाल। और आज हम खड़े हैं नारायणगढ़, लोकसभा क्षेत्र है ये अंबाला का। और सबसे बड़ी बात है कि नारायणगढ़ क्षेत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का ये होम क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है। और आज हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ की जनता से हम सवाल जवाब पूछेंगे कि यहाँ पर जो सरकार कह रही है कि हमने विकास किया है, उस वो विकास धरातल पर किस तरह का है, हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। और हमारे बीच में नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आगे आइए आप जरा। हाँ जी, मेरा नाम देशबंधु। देशबंधु जी, आप हमें आपसे सिर्फ हम एक ही सवाल पूछेंगे कि ये बताइए कि आपका क्षेत्र, चूंकि ये मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र है हरियाणा का, तो यहाँ पर कौन सा जो बड़ा काम है जो अभी तक नहीं हुआ? पहले तो मैं अपना जो अर्थ प्रकाश चैनल है उसका धन्यवाद करता हूँ, और शर्मा जी आपका भी, सुशील शर्मा जी का भी, जो हमारे साथ टच रहते हैं। तो पहले तो आपका धन्यवाद, उसके बाद आपने काम की बात कही। आज पूरे देश प्रदेश में एक लहर चली हुई है कांग्रेस की। अगर ये लोग काम करते तो आज लोग परेशान क्यों होते, क्यों तंग होते? आज लोग बदलने को फिर रहे, इनको कारण है, काम हुआ ही नहीं। वही कारण बताइए ना, कौन सा कारण है जिसके कारण आप कह रहे हो कि यहाँ पर बदलने को फिर रहे हैं? बहुत लोग परेशान हुए हैं। एनडीसी का मुद्दा बड़ा भारी है। वो क्या है एनडीसी का? एनडीसी यही नक्शे नुक्शे पास कराना है। अच्छा, मतलब बहुत दिक्कतें आई लोगों को। अच्छा, और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बेरोजगार तो कहीं है ही नहीं, महंगाई का सबसे बड़ा। सरकार तो ये कह रही है कि हमने बगैर खर्ची और बगैर पर्ची नौकरियां दी हैं और हर गांव में 2-2, 3-3 बच्चे लगे हैं। उस सरकार का जो ये बयान है, उसको आप किस दृष्टि से देखते हो? नहीं बताए सरकार कहाँ लगे हैं, किस गांव में लगे, किस शहर में लगे, बताए सरकार। अगर इतनी कंसी बड़ी कंस्टिट्यूंसी में 1-2 लड़का लगा भी दिया तो वो मतलब 1-2 से काम चल जाएगा। हाँ जी बताइए। अब मैं तो ये कहूँगा कि कोई विकास नहीं हुआ। हमारी यहाँ लोगों की डिमांड थी कि यहाँ एक जिला बनाया जाए नारायणगढ़ को। मुख्यमंत्री भी यहाँ लोकल है, नारायणगढ़ के हैं, अच्छा मौका है, बनाना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे, है क्या मेडिकल कॉलेज पंचकुला में बन ही रहा है पंचकुला यहाँ। और आपके अम्बाला भी साथ में है और मुलाना है, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, तो फिर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की क्या आपको जरूरत पड़ेगी? वहाँ पे 50 किलोमीटर है अम्बाला, पंचकुला 50 किलोमीटर है। तो अब आपको पता ही है कि बच्चे आजकल इतना दूर जाने आने में ही रह जाते हैं बस। तो यानी बहुत समस्या है नारायणगढ़ की। नारायणगढ़ पे तो कोई काम हुआ ही नहीं। सड़कें कहते हैं, गवर्नमेंट कह रही है सड़कें बहुत अच्छी बनी है, सड़कें यहाँ पर आपकी सड़कें हम भी आ रहे थे, काफ़ी अच्छी लगी। हम जब एंट्री करते थे नारायणगढ़ से, कुछ एरिया था जो बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो सड़कों बारे में क्या हो गया? सड़कें बहुत ख़राब रही, सड़कें कोई ठीक नहीं है। जहाँ से आप आए वो हो सकती है शायद, पर बाकी तो मैं नहीं समझता कि सड़कें ठीक हुई है। सड़कों का भी हाल बुरा ही रहा। और मैं किसान परिवार से आता हूँ, किसानों का हाल आपने देखा ही होगा, अब भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पहले यूरिया कट्टा 50 किलो का था रेट, वही अब उसे 40 किलो में कर दिया है। अच्छा, बहुत बुरा हाल है। और आपने जो सड़कों की बात की है, सड़कें गांव में जाके देखो, ये मेरा गांव पंजलासा पड़ता है, पंजलासा से लेके बदौली तक जाओ सारी सड़क टूटी पड़ी। और एजुकेशन के बारे में काम होना चाहिए, बच्चों को जॉब्स लगनी चाहिए। मेरा गांव इतना बड़ा है, किसी को कोई जॉब नहीं लगी। गवर्नमेंट तो कह रही है कि नौजवानों को हमने जॉब लगाई है। मेरे गांव में तो जी किसी को नहीं लगी, 3,000 वोट है गाँव की जी, मेरे गाँव में तो किसी को नहीं लगी, पता नहीं कहाँ लगी, हमें तो पता नहीं जी। हाँ जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर आप चूंकि किसान परिवार से लग रहे हो, कि जो किसानों का आंदोलन है उसका इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा और किसान क्या सोचता है इस चुनाव के? आप देख ही रहे हैं जो किसानों की बेअदबी हुई है कोई मतलब स्कोप आपके पास भी? किस मुंह से जाएं हम इनके पास, कोई हमारी सुन रहे हैं? नहीं, मैं रही बात, अब ये बच्चे ने बताया रोड की,
मैं इसके साथ इंक्लूड करता हूँ 39 और 38 रोड पे जाओ, क्या हालत है, मैं आपको रोड नंबर भी बता दिया है, जाओ आप देखो भी क्या हालत है रोड की। तो आप ये बताइए किसान आंदोलन की आपकी कौन कौन सी मांगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये कह रही है जहाँ जहाँ बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विरोध, जब इंसान दुखी होता है तो उसकी आवाज़ में क्या आता है, वो अपनी मांग को ही रखता है, मांग उसकी मांग रहे और उसको उल्टा प्रेशराइज किया जा रहा है, तो फिर जब किसी की आत्मा दुखती है तो क्या करता है वो, हाय बोलता ना, बस यही वजह और कुछ नहीं है। तो आप हमें ये बताइए इस सोल्यूशन का, इस जो प्रॉब्लम है इसका हल क्या है, आपने कोई सवाल जो आप तो रखे होंगे जो लीडर आते हैं उनसे पूछते होंगे, इसका आपका हल भी बताइए ना, क्या हल हो सकता है? तो इसका यही है कि हम जो चाह रहे MSP तो हमारे पास दे नहीं रहे, उसकी गारंटी नहीं दे रहे कोई, गवर्नमेंट कह रही है कि हम MSP दे रहे हैं, काफ़ी फसलों पर दे रहे हैं, दे रहे हैं, कहीं अब जब हमको जरूरत पड़ती है देखते हैं हमारी तो मतलब फसल ऐसे रुड़ती है कोई, कहीं हमको तो दिखती नहीं है गारंटी उनकी। जब फसल जब मंडी पे आती है वहाँ भी आपको दिक्कतें आती है, वहाँ पर क्या दिक्कतें आती है ये बताइए? दिक्कतें कितनी दिक्कतें इंसान को, जब किसान के खेत में जाओगे वहाँ से लेके फिर देखना भी कितनी दिक्कतें आते हैं, ना तो टाइम पे कभी मतलब उसका उठानी होता है ना ही हम, और फिर जब उसको परवरिश देते हैं पेस्टिसाइड कहाँ जा रहा है, क्या हालत है पेस्टिसाइड की आप देख ही रहे हैं। अच्छा ये बताना, जैसे कोई गवर्नमेंट कहती है अगर कोई बाढ़ आ जाती है कोई दिक्कत आती है किसानों को मुआवजा मिलता है, तो क्या वो मुआवजा मिल रहा है जी? नहीं मिला। तो हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सिंह जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नारायणगढ़ से। नारायणगढ़ से, अच्छा आप बताइए, आप सबसे बड़ी दिक्कत भाई कौन से काम रह गए हैं ये बताइए? काम तो यहाँ हो ही नहीं है डेवलपमेंट के, जहाँ शहर में NDC की दिक्कत है, NDC किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, और दूसरा यहाँ शुगर मिल का मुद्दा है, शुगर मिल में आज भी किसान के 50-60 करोड़ रुपए खड़े हैं। यहाँ पर द्वार से फिर आप आए, हमें इन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आना, हम आपका स्वागत करेंगे और उसके बाद हम जो प्रूफ हम लेकर आएंगे उसका जवाब भी देंगे। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, आज हम जैसे आपको पता है कि नारायणगढ़ के अंदर चुनावी चौपाल अर्थ प्रकाश के प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे बीच में राणा जी हैं, शहर के मौजूद लोग हैं, अब इनसे हम सवाल करेंगे। राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं आपका गांव यहीं के हो? गांव मेरा इस हल्के में गांव कुराली है और नारायणगढ़ हल्का है हमारा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, और मैं ग्रामीण क्षेत्र से। अच्छा आप हमें ये बताइए, चूंकि ये मुख्यमंत्री का एरिया है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का एरिया होता है तो लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट होगी, चूंकि अभी तो आपका एक महीना ही हुआ है मुख्यमंत्री बने नायब जी को, आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से मेन दो काम बड़े हुए हैं? देखिए ऐसा है, पिछले जब यहाँ से जो वर्तमान मुख्यमंत्री है जब वो यहाँ से विधायक थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा काम तो यहाँ हॉर्टिकल यूनिवर्सिटी थी हमारे यहाँ, वो मंजूर कराई मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, और वो हमारे गांव चांदसोली में पास ही है, वो आज वो बन के तैयार हो गई है, और एक गर्ल कॉलेज हमारे पास ही है बड़ागढ़, जिससे कि हमारी बच्चियों को जाना दूर ना जाना पड़े, क्योंकि हरियाणा सरकार की पहले भी एक योजना थी कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा इसके दायरे में ही रह करके हमारी बच्चियों को बेटियों को पढ़ाई कर सकें, इसे ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में कराए। इसके अलावा और भी काम, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या शुगर मिल की है। हाँ जी, शुगर मिल का मुद्दा उन्होंने उठाया था। हाँ जी, जिस तरह से पिछले सरकारों की वजह से ये बार बार कर्ज के नीचे दबता चला गया, और हमारे जो किसान हैं, क्योंकि किसान एरिया है ये, गन्ने के यहाँ पैदावार बहुत होती है, और उनकी लीडरशिप की ना कमी की वजह से साल भर साल ये पेमेंट इसके ऊपर हमारे किसानों के बकाया रहती गई। तो माननीय मंत्री जी ने जो उस टाइम यहाँ से मंत्री जी हरियाणा सरकार में नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री से संपर्क करके पूरे अपने सहयोग से इसको बार बार राशि दिलवाई, ताकि किसान हमारा जो जिसका गन्ना था जिसकी पेमेंट थी ये पेमेंट उसको मिले, और आज वर्तमान जो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे मनोहर लाल जी, उन्होंने जो हमारे SDM है यहाँ से वो उसको कार्यकारी इसका लगा के ना निदेशक, और आज इसके हालात हैं कि लगभग पेमेंट किसानों की पूरी हो चुकी है। नहीं, आपने अभी बात की है, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने किसानों से बात की थी नारायणगढ़ एरिया के थे, उन्होंने ये कहा था चूँकि ये जो शुगर मिल है सरकारी नहीं है प्राइवेट है,
तो उसके कारण काफ़ी अभी भी उनकी पेमेंटें ड्यू पई हैं। और हमने उनको पूछा था कि भाई ये अगर आपकी बात में सच्चाई नहीं है तो हम जाके पता करेंगे, इसके बारे में बताइए कितनी पेमेंट ड्यू है, अगर ड्यू है तो कब तक क्लियर हो जाएगी। देखिए पेमेंट तो पूरी जो डिटेल है वो तो शुगर मिल के जो अधिकारी है वही बता सकते हैं, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि पहले भी माननीय नायब सैनी जी ने जो यहाँ से मंत्री थे उनका पूरा उनकी कोशिश रही कि एक एक पैसा किसानों को इस शुगर मिल में जो बकाया था मिले। और अब भी ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे हल्के से जो विधायक थे जो अब वर्तमान में सांसद थे उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली है, तो और भी ज़्यादा उम्मीद तो आपसे ज़्यादा उनसे और उम्मीदें होगी होंगी उम्मीद है। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि अब इसका हल आने वाले समय में निश्चित रूप से। अच्छा ये बात है। अब दूसरी बात उन्होंने मुद्दा ये उठाया था कि एक रेलवे लाइन का वो कहाँ तक है, वो उसके लिए क्या अभी इस गवर्नमेंट ने आगे बात की है केंद्र से कि यहाँ पर रेलवे लाइन होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने मुद्दा उठाया था कि मेडिकल कॉलेज का, कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसके बारे में बताइए ये 2-3 प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक है। देखिए रेलवे लाइन की हमारी इस एरिया की सबसे बड़ी पुरानी मांग है और बार बार जो हमारे पूरे पूर्व सांसद रहे स्वर्गीय कटारिया जी रतन लाल जी उनके सामने भी ये बात आई है और उन्होंने लोकसभा में इस बात को पूरी संजीदगी से उठाया और इसके लिए वहाँ पैसे भी मंजूर कराए उन्होंने, पर क्योंकि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का मामला है ये योजना है तो उस पर ज़्यादा विस्तार से तो अब हमारे लोकसभा के प्रत्याशी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है वही दे सकते हैं। तो आपसे अब हम आपसे स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे। एक उन्होंने कहा था कि आप रजिस्ट्रियों की एनडीसी से लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ पर जो लोग खड़े इससे आपको ही होगा कि यहाँ पर परेशानी थी, उस एनडीसी को दूर करने के लिए आपने जो तुरंत क्या क्या कदम उठाए हैं ताकि लोगों को मेन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। देखिए एनडीसी की समस्या है यहाँ, इसको इनकार नहीं कर सकते, पर हमने ये जो सारी समस्याएं हैं ना जो धरातल की ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लगा दिए हैं और जैसी आचार संहिता क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और 4 जून से बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के ये सारी की सारी समस्याएं हैं ना जो क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ धरातल से जुड़े थे एक एक चीज़ का उनको पता है और इन सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा 4 जून से बाद। अब हम बात करेंगे, हमारे बीच में एक बुजुर्ग जी आ गए, क्योंकि आपको पता है कि उन राणा जी ने जो सवाल सवेरे हमारे चौपाल में आए थे उनका एक एक सवाल का जवाब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया। अगर वो हमारे पुराने लोग देख रहे होंगे सुबह वाले तो उनको काफ़ी हद तक संतुष्टि मिल गई होगी। तो अब हम बात करेंगे, नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? शुभ राम रामपाल सिंह जी। ये कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं छोटी कोड़ी गांव से। तो आप हमें ये बताइए क्योंकि आप ग्रामीण एरिया से हो तो ये बताइए कि जो गवर्नमेंट कह रही है जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको आप किस दृष्टि से देखोगे? किसान आंदोलन यहाँ आयो यो लफंगा आंदोलन है जी। अच्छा जी, तो कैसे आप बताइए ना, आपने बहुत बड़ी बात की है, आप ये बताइए कि कैसा ये जैसे आप कह रहे हो? यहाँ किसान तो ही नहीं है, मैं किसान ही हूँ। आप किसान हो? हाँ जी। तो आप सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट हो? नहीं, बहुत बढ़िया, बल्कि और मिला तनु दो कि कविता भी सुनाई दूँ। अच्छा, कविता जो बाद में सुनेंगे आपकी, आप ये बताइए कविता सुनेंगे आप ये बताइए जो प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि किसान निधि के अंदर जो पैसे आ रहे हैं वो किसानों को मिल रहे हैं? मानो तो मिल रहे हैं भाई, और पता नहीं किसी मिल रहे हैं आपका, हम देखेंगे बकायदा कि मिले कि नहीं। हाँ मिले जी, और मिल दे रहे भी। अच्छा ये बताइए जो MSP पे कह रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसके बारे में बताइए कहाँ तक ये MSP का थोड़ा रेट आ जे किसी को करी ना खेत में, भला फिर भाई MSP भी क्या मास जे खेत में करी नहीं, खेत में फसल हो ना MSP की तो लोड़ो नहीं, जो उन देनी नहीं फिर MSP काम तो कर देनी है, काम तो बरसीन की गठड़ी नहीं किसान का छोकरा जो काट दो आज। अच्छा हाँ जी, बरसीन की गठड़ी नहीं काट सकता, काम करना छोड़ के सरकार के गल लग रहे हैं कर्जा माफ कर दे MSP दे दे, यूं कर दे बस, मन बैठे खड़ाई जाओ बस, यह बात रहेगी और कुछ नहीं है। अच्छा आपने ये बात की, आप बताइए, हमने सुबह बात की थी, यहाँ पर भी किसान मिले थे हमें रास्ते में आते हुए, हमने उनको पूछा था अगर कोई दिक्कतें आती है फसल की मुआवजा की, मुआवजा वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, वो करे काफ़ी तो लोगों को मिला नहीं है, इसके बारे में क्या कहोगे भाई? और नो मिलो नहीं। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ, ओलिया वाला मुआवजा नहीं मिला है। हाँ जी, इन्होंने कहा है कि हमें ओलो वाला मुआवजा अभी मिला नहीं है। हाँ जी आप बताइए भाई, ओले मारा भी पड़ेगा फिर भी गेहूँ ठीक निकली मरी,
तो आप हमें एक सवाल है उसका जवाब देना कि जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई, वो मुद्दे इस जो लोकसभा के इलेक्शन है उस पर किस हद तक काम करेंगे? किस हद तक? क्या मेरे दोरा 5-7 गांव लगा। अच्छा, कौन कौन से बताएं आप? नगोली, मारा गांव, वासलपुर, बड़ी कोड़ी, जंगू माजरा, मानकपुर, खेड़की, मंगलौर तक की तो मैं बात बता रहा। अच्छा, मारा गांव कौन सा है ये तो बता दो। छोटी कोड़ी यार, वो रह गया था। हाँ हाँ, वो रह गया था। हाँ, छोटी कोड़ी। आप बताओ। 80% वोट है जी। वोट नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं 1270 राम मंदिर वाला, वो किस हद तक यहाँ पर हमारा तो देखिए हिंदुआ राम मंदिर वाला ना गए और मानना चौल भी बन रहे थे, मेरे पास चौल भी आए थे वहाँ से। अच्छा, हाँ जी, मानना इस चीज़ में। हाँ जी, अब आप हमें ये बताइए, कहीं पैसे भी उसके पास जो डाल दी राम मंदिर के लिए वो अभी बचाई? अच्छा, हाँ। तो अब एक और बताइए। अच्छा, और ये आप ये बताइए कि राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत तकड़ा जी। हाँ, राम मंदिर मुद्दा ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप वो ठीक है, आपकी बात सब ठीक है, मान रहे हैं आप, हमें ये चीज बताइए कि कौन सा एक काम है जो आप चाहते हो कि यहाँ पर होना चाहिए और कोड ऑफ क्रेडिट हटने के बाद आप तुरंत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब को कहोगे ये काम कर दो जी हमारे एरिया का, ये बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुभाष है, गांव धनाणा जी, मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। हमारा ये नारायणगढ़ में जिला बनना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जिला और मेडिकल कॉलेज की यहाँ के लोगों ने मांग रखी है कि ये हमें बहुत जरूरी चाहिए, और उसके अलावा बस और तो काम। अच्छा, आप ये बताइए। हाँ, एक मैंने प्रश्न पूछना, मैंने सुबह पूछा था, एक एक प्रश्न के हम आंसर लेकर जाएंगे आपसे, हम कोई इनकम्प्लीट का बात नहीं करेंगे। मुझे सवेरे बच्चे कह रहे थे कि सरकार ये कहती है कि बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियाँ लगाई हैं, तो ये बताइए, वो कह रहे थे कि हमारे कहीं एरिया में नहीं लगी, आप ये बताइए कि आपके एरिया में लगी हैं, अगर लगी हैं तो उस बच्चों के नाम क्या है, दो बच्चों के नाम बताओ। हाँ जी, हमारे पड़ोस में तो लगा जी। पड़ोस में कौन सा गांव? एक गांव धनाणा। अच्छा। हाँ जी, हमारे वहाँ तो एक तो मनीष कुमार लगा जी, एक उसका भाई लड्डी लगा जी, एक तहसीलदार का पुत्ता लगा जी। जी, किसका? तहसीलदार का पुत्ता। 4-5 लगे जी। हमारे 4-5 लगे। देखिए देखिए देखिए, यहीं से पता चलता है कि जो, हाँ जी हाँ बताओ। मैंने 1999 में 10वीं पास करी हुई थी। अच्छा। मैं तिब्बत पुलिस में गया था जी। अच्छा। तो मैं सब चीज़ें मैं क्लियर हो गया था जी, पेपर भी कर दिया था, मेडिकल भी कर दिया था, उस टाइम मेरे को स्पार्स नहीं मिली, नहीं तो मैं भी नौकर लगा होता जी। सरकार होती ना तो मैं भी नौकर होता जी। तो इन्होंने ये कहा है कि जो सुबह प्रश्न उठाए थे, इन्होंने कहा कि यहाँ पर नौकरियाँ लगी हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि मेरे गाँव का, उन्होंने गाँव का नाम भी लिया, उन बच्चों के नाम भी लिए। अब आप बात ये आइए, आपका नाम क्या है जी? रघुवीर सिंह है, गाँव चलमाजरी है, ब्लॉक नैनगढ़ है। अच्छा, देखो जी, जबकि 2014 से हमारी बीजेपी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कार्य करने के लिए, हरियाणा सरकार में मनोहर लाल सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिमीदारों का पैसा तीसरे दिन मिल रहा है, किसी की पेमेंट नहीं, पहले बड़े परेशान हो गए जिमीदार, और जो कह रहे हैं भी जिमीदार को बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, वो जिमीदार नहीं है, वो विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं जो जो शोर मचावा है। नहीं नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, देखिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जिमीदार, देखो अगर आप बताओगे इस गवर्नमेंट को कि हमारी ये दिक्कतें, तभी सरकार आपकी पूरी करेगी ना। तो हमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका एरिया है वहाँ पर किसानों को कौन कौन सी दिक्कतें, ताकि आप बताओ हमारे प्लेटफार्म पर, ताकि गवर्नमेंट उसको तुरंत संज्ञान ले। जैसे इन्होंने बताया था, आपने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अभी संज्ञान मिलेगी, मुख्यमंत्री साहब देखेंगे वो भी संज्ञान मिलेंगे, अगर आप नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा। इसलिए आप किसानों को एक प्रॉब्लम और है, समय पर ये जो सिंचाई के कनेक्शन है, बिजली के कनेक्शन, ये समय पर दिए जाए, ये भी काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं, क्योंकि इसमें भी लोगों को बड़ी दिक्कत है, समय पर अब कनेक्शन हो जाए, खाली ज़मीन पड़ी है, जिनके भी कनेक्शन आए हुए हैं वो फौरन दिए जाए, जिससे कि जो जीवी किसान को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। तो आप हमें एक चीज बताइए सभी से, क्या अभी जिला बनना चाहिए नारायणगढ़? हाँ, जिला बनना चाहिए जी। जी, पर देखिए बिल्कुल जी, मांगे पूरी हो जाएंगी, बताओ। नहीं देखो, ऐसा है, जिला बनने के हम हक में हैं,
जैसे इसकी फिजिबिलिटी पूरी होगी सरकार बनाएगी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए मैं डॉक्टर समस्या आपके लिए आए हम समस्या दूर करने, यहाँ बताइए समस्या हो रहा जो ये मील का रोड़ा पड़ रहा है ना जी। हमारी तो मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि इसको ना सरकारी बनाया जाए ताकि जो लोगों की आवाज़ है ना वो बंद हो सके, जो विपक्ष वाले हैं दूसरे भी वैसे 80% पेमेंट हो लीजिए यहाँ से 10-20%। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इन्होंने ये कहा है कि जो दिक्कतें आ रही हैं जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मिल प्राइवेट है, इसलिए इस मिल को अगर सरकारी बना दिया जाएगा तो ये दिक्कत नहीं होगी। यानी कहने का मतलब इनको अभी भी सरकार पर विश्वास है कि अगर सरकारी होगी तो दिक्कत भी होगी। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, मेरे साथ हमारे यहाँ के नारायणगढ़ से सीनियर जर्नलिस्ट सुशील कुमार जी और केश जी के साथ।